नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का 30वां दिन है। 30वें दिन में जो है फार्म के अंदर हम क्या विशेष कर रहे हैं और फार्म के अंदर का क्या स्टेटस है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये देखिए, दो एग्जॉस्ट फैन जो है सामने आपको चलते हुए दिख रहे हैं और ये दोनों जो एग्जॉस्ट फैन हैं, एक जो है इधर वाला जो एग्जॉस्ट फैन है ये टेम्परेचर वाला है। टेम्परेचर जो है मैंने 26 डिग्री सेट कर रखा है। तो दोस्तों अभी फार्म के अंदर का टेम्परेचर जो है करीब 27 डिग्री के आसपास है, तो जैसे ही 26 डिग्री आएगा तो ये वाला एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाएगा। ये वाला फैन टाइमर वाला है, तो दोस्तों इसको मैंने डायरेक्ट कर रखा है क्योंकि अब जब उसको अगर मैं टाइमर से अगर चलाऊंगा तो क्या होगा कि वह कुछ जैसे 1 मिनट चलेगा, 10 सेकंड बंद रहेगा, तो उससे क्या रहेगा कि फार्म के अंदर जो है मतलब टेम्परेचर जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो फैन है इसको मैंने डायरेक्ट कर रखा है, डायरेक्ट इन द सेंस कि जो बटन जो रहती है उसको दो मोड, उसमें तीन मोड आते हैं। एक आता है ऑफ मोड, एक आता है ऑन मोड और एक आता है मैनुअल मोड। मतलब एक तो ऑटो मोड आता है जिसमें वो सिस्टम के ऊपर काम करता है, जैसे टाइमर को जितना कमांड अपन देंगे उतने समय के लिए जो है एग्जॉस्ट फैन चलेगा। दूसरा जो मोड आता है ऑफ मोड, हम जो है उसको अगर फैन को हम बटन से बंद कर देंगे तो फैन जो है बंद हो जाएगा। तीसरा आता है मैनुअल मोड, मतलब कि फैन को जो हम मैनुअल मोड पे अगर हम डाल देंगे तो मैनुअल के हिसाब से ही करेगा कि भैया फिर उसको सिस्टम से मतलब नहीं, टाइमर कंट्रोलर से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये जो फैन है मैंने उसको टाइमर वाले को उसको जो है मैनुअल मोड पे कर रखा है। ये फैन जो है वो टेम्परेचर मोड पे है, जैसे टेम्परेचर कम होगा हो जाएगा वो अपने आप बंद हो जाएगा। अभी देखिए कूलिंग पैड जो है दोस्तों कितने बढ़िया तरीके से, ये दोस्तों कूलिंग पैड, और कूलिंग पैड देखिए अगर इस प्रकार से अगर आपका कूलिंग पैड अगर गीला होगा तो दोस्तों अब यकीन मानिए कि फार्म जो है बहुत बढ़िया तरीके से इफ़िशियंट रहेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। देखिए मतलब जितना जो है आपका कूलिंग पैड बढ़िया तरीके से गीला होगा उतना जो है फार्म के अंदर का टेम्परेचर कम होगा। दोस्तों फार्म के अंदर जो इसी फार्म में सिर्फ एक लॉजिक है कि फार्म को जो है पूरी तरीके से पैक कर दीजिए और कूलिंग पैड को बढ़िया तरीके से गीला कर दीजिए। अगर मान लीजिए कूलिंग पैड अगर बढ़िया तरीके से पूरा गीला नहीं होता तो अब आधे कूलिंग पैड में से ठंडी हवा आती, आधे कूलिंग पैड में से जो है गर्म हवा आती, तो अब वो ठंडी और गर्म हवा वहीं के वहीं पे न्यूट्रल हो जाती है और फार्म के अंदर वैसे ही हमारे गर्म हवा आती। तो दोस्तों चूंकि मुर्गियों का खुद का भी जो है टेम्परेचर होता है वो खुद भी जो है गर्म ही होती है, तो दोस्तों उसके कारण जो है फार्म के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने में हमें समस्या आती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने टोटल जब भी मैंने फार्म को इसी किया था तब मैंने दो ही एग्जॉस्ट फैन लगाए थे, एक एग्जॉस्ट फैन मेरे पास में एक्स्ट्रा रखा हुआ था जो आपको दिख रहा है, अभी मैंने उसको चालू भी नहीं किया। दोस्तों ये पूरी पिछले 3 बैच हो गए उस फैन को जो है मैंने अभी कनेक्शन नहीं किया, उसका कारण ये है कि फार्म बढ़िया तरीके से पैक रहेगा और फार्म के जो पैकिंग का मैं एक थोड़ा सा एक आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये देखिए साइड से मैंने कर्टन को ओपन कर रखा है ताकि यहाँ से फ्रेश हवा जो है फार्म के अंदर चली जाए, तो और स्पीड से जो है फार्म के अंदर अगर ह्यूमिडिटी बन रही है या फिर कोई स्मेल अगर आ रही है तो बढ़िया तरीके से बाहर निकल जाएगी। दोस्तों चूंकि ये छोटा फार्म है यहाँ पे हम हाथ से बहुत कुछ काम कर सकते हैं, तो दोस्तों इसलिए जो है मैंने यहाँ से देखिए कर्टन को थोड़ा सा जो है इतना एरिया दे दिया ताकि यहाँ पे जो फ्रेश हवा जा रही है तो मुर्गियों को भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बाहर धूप इतनी नहीं है कि बाहर से गर्मी अंदर नहीं आ रही है, बाहर ऑलरेडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके कारण जो फ्रेश एयर जो आ रही है वो भी ठंडी है, वो कोई गर्म हवा नहीं है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि फार्म कितना बढ़िया तरीके से पैक है। अब इसको खोलना, ये यहाँ से कर्टन है ओपन होने के बावजूद भी देखिए ये मैंने दरवाज़ा खोला, ये देखिए ये दरवाज़ा, ये देखिए ये कितनी स्पीड से खींच रहा है, मतलब कि फार्म जो है जितना बढ़िया तरीके से फार्म पैक रहेगा, ये देखिए एक बार फिर से देखिए, एक बार और फिर से करना, ये देखिए ये देखिए ये दरवाज़ा, मतलब यहाँ पे मैं जो है कुल मिला के फार्म की पैकिंग का कमाल है कि अगर ये एक भी एग्जॉस्ट फैन अगर चलता है तो भी दरवाजे को जो है वो बाहर से अंदर खींच लेता है। तो दोस्तों फार्म जो है जितना आपका बढ़िया तरीके से पैक रहेगा आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा रहेगा, आपके एग्जॉस्ट फैन भी कम चलेंगे, आपका कूलिंग पैड भी कम चलेगा, आपके खर्चे भी कम रहेंगे, किंतु फार्म का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों इसी फार्म के सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप एग्जॉस्ट फैन चला रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन का काम है सिर्फ फार्म के अंदर से हवा बाहर करना, अब हवा वो चाहे वहीं से ले ले या फिर कूलिंग पैड से ले ले या फिर साइड के कहीं खिड़कियों से ले ले। अब दोस्तों कूलिंग पैड का काम है, हमें कूलिंग पैड पे कुछ भी काम नहीं करना है, कूलिंग पैड को हमको बस गीला कर देना है, ये गीला कर दिया कूलिंग पैड का कोई काम नहीं है, अब कूलिंग पैड से जो हवा जा रही है वो जा रही है, अब दोस्तों बस यही है और फार्म को बड़े तरीके से पैक कर दो, बस यही है इसी फार्मिंग का बेसिक प्रिंसिपल और यही फाइनल प्रिंसिपल भी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अब मैं थोड़ा 30 दिन के बर्ड के स्टेटस के बारे में बता दूँ। दोस्तों
जो मेरा फीड जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है, चूंकि सुगना कंपनी का जो 30 दिन के बाद में स्टैंड 29 दिन के बाद में जो स्टैंडर्ड पहले 137 ग्राम तक था, वापस जो है कम हो गए और 131 ग्राम पे आ गया। तो दोस्तों हम जो है इनको स्टैंडर्ड के हिसाब से दाना डालना है, 131 ग्राम दाना हमने डाला है। जो अब वाटर में अगर मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा जी चला रहा हूं, जो कि 28 29 और 30 और 31 चार दिन तक जो है एक्स्ट्रा जी चलेगा। दिन में जो है मैं एक्वाप दे रहा हूं, वो वाटर इंटेक और फीड इंटेक के काम में आते ही है, और फार्म के अंदर लीटर रेकिंग जो है चल रही है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।